नियमितीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर स्वास्थ्य सैयाओं ने रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। सैया एकता संघ के बैनर तले हजारों सैया रांची पहुंचे हैं। ये सभी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग कर रही हैं। तो लगातार सैयाओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी कड़ी में एक बार फिर से ये सड़क पर उतरी है और वेतनमान दिए जाने की मांग कर रही है। तो नियमितीकरण और वेतनमान की मांग लगातार कर रही, साफ कहना है कि उनका वेतनमान जो है वो 18,000 होना चाहिए। हालांकि वेतनमान तो नहीं हो सकता, ये मानदेय ही होगा, लेकिन वो वेतनमान की मांग भी करेगी कम से कम 18,000 तक पहुंचे, क्योंकि इनका जो काम है, जिस तरीके का काम वो कर रही है, तो वो कहीं से भी लगभग वो चाहती है कि पारा शिक्षक जो न्यूनतम पाते हैं लगभग इक्विवेलेंट उसके मुकाबले हो, क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी तरीके से उतने ही समय वो देती हैं, समाज को देती हैं, बहुत सारी चीजों में वो उनका इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, वो इन्वॉल्व रहती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, लोगों तक तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाती है। कोरोना काल में भी लोगों ने जाना है कि सैयाओं ने किस कदर से राज्य की स्थिति को संभालने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो यही मांग है कि काम हम कर रहे हैं, समय पूरा हम दे रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ हम समाज की सेवा में जुटे हुए, बहुत सारे योजनाएं हमारे जरिए जमीन पर उतरती हैं, तो ऐसे में हमें भी वेतनमान मिले और कम से कम 18,000 तक की वो मांग करें। इसके साथ ही बहुत सारी दूसरी मांगें भी है, नियमितीकरण की मांग है, बीमा और तमाम जगह की चीजें होती है, वो सभी मांग है और इसी को लेकर एक बार फिर से रांची की सड़कों पर उतरी है सैया बहने। तो सीएम आवास का घेराव करने पहुंची, नियमितीकरण और वेतन मांग की मांग की जा रही है। और सहयोगी आयुष इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, अभी सैया बहने कहां पर है, लगभग कितनी सैया बहने पहुंची होंगी? जाहिर सी बात लगातार वो मांग तो कर ही रही है, फिलहाल वो कहां पर हैं? भवन के पास डाइवर्ट कर एक जगह कह सकते हैं कि प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दे दी गई है। तब राजभवन के समक्ष जो जाकिर हुसैन पार्क है वहां पर पहुंची है, लेकिन वो आपको बता दें कि मुरादाबादी में एकजुट हुई थी, हजारों की संख्या में एकजुट हुई थी और झारखंड प्रदेश सैया संघ के बैनर तले एकजुट होकर वो वेतनमान और जो कह सकते हैं नियमितकरण, वो कह रहे हैं कि सीधे उन्हें कर्मचारी का दर्जा मिले और वो जो प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये मिल रही है, उसको बढ़ाते हुए 30,000 रुपया किया जाए, इसी मांग को लेकर पहुंचे हैं और कह सकते हैं एक बड़ी संख्या है और मुझे लगता है सरकार का इस नजर जाना चाहिए। आयुष, मतलब सभी जिलों से ये सैया बहने यहाँ पर इकट्ठा हुई है या फिर रांची रांची की ये बहने हैं? देखिए, ये पूरे जिले भर से हैं और इनकी 10 सूत्री मांगे हैं। उनके मिनिमम जो कह सकते हैं कि फिक्स जो है वो 18,000 रुपया करना है। साथ ही साथ जो रजिस्टर को लेकर इनके, क्योंकि देखिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक आशा वर्कर के रूप में काम करती है, जो स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं धरातल से उतारने का प्रयास होता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि आज के दौर पे जो नॉर्मल डिलीवरी होती है इसमें इनका बेहद बड़ा योगदान होता है और ऐसे में इनका कहना है कि कई अरसों से ये जो है मुफ्त में निःशुल्क में काम कर रही थी, अब ये कह सकते हैं एक प्रोफेशनल के रूप में ये मौजूद है और इनके जो काम करने के तरीके या उससे भी सरकार संतुष्ट है और जो जिनके साथ जहाँ योजनाओं को पहुंचाती है वो लोग भी संतुष्ट है। ऐसे में इनको भी जो भी है सिर्फ 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के अलावा अन्य चीजें जो अन्य कर्मचारियों या फिर जो भी संविदा पे जो कर रहे हैं कार्यरत लोग हैं उनको उस वैसा ही लाभ मिले, उसी को लेकर पहुंची है। संख्या काफी बड़ी है, काफी वक्त के बाद एक इतनी बड़ी संख्या में कोई आंदोलन करते हुए जो किसी बैनर के तले जो कर्मचारी है या फिर राज्य आप नजर बना रहे हैं कि इन्हें किस तरीके से कोई बात उन्हें सरकार की ओर से तक पहुंचती है, किसी तरह की कोई भी जानकारी, किसी तरह से कुछ भी साइन मिलता है तो आप जरूर हम तक पहुंचाइएगा और फिलहाल नजर बना रहे सैया बहनों के इस आंदोलन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष। और
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।